असलम नाजरीन शहीद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन नई और इम्पोट जबरी इम्पोट हुकूमत के लिए आ, सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और आवाम के मैंडेट पर डाका डाल कर बनाई गई इस नाजायज़ जबरी सिलेक्टेड हकूमत के लिए आज का दिन इंतहाई दुशवार गुजार और मुश्किल था पहली बार हमने पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में देखा कि कोई हुकूमत इसम्बली फ्लोर से भाग गई हो आज तक हम ये देखते आए हैं कि जो अपोज़िशन जमातें होती हैं वो किसी मामले पर या किसी नुकते पर हकूमत के साथ इख्तलाफ करते हुए इसम्बली से एहताजन वाकआउट करती हैं लेकिन ये कारनामा भी इस इंपोर्टेड हकूमत टू पॉइंट ज़ीरो ने पहली बार सर अंजाम दिया कि आज हकूमत इसम्बली फ्लोर से भाग गई और हैरानकन सूरत हाल ये देखने में आई कि जो हकूमत मसाइल पर काबू पाने की जो है वो दावे करती है वो हुकूमत अपोजिशन जमात पाकिस्तान इंसाफ का सामना करने से शदीद घबराई हुई है इसकी क्या वजूहत हैं इसके पस मंज़र क्या है और आज असम्बली फ्लोर पर कौन सी अनोखी चीज़ें हुई उस हवाले से आपको आगाह करेंगे इसके अलावा सौ प्याज और सौ जूते खाने के बाद राजा बाू अक़ल लेने एक दूर देश पहुँच गए हैं और राजा बाबू को वैसे तो पहले ही हम जो है वो इसके ऊपर हल्की फुल्की तनकीद करते आए हैं उनकी गलतियों पर राजा बाबू की ढोलक भी हल्की फुल्की हम जो है वो बजाते आए हैं लेकिन शायद उनको उस वक्त अकल नहीं आई चले देर आए दुरुस्त आए कोशिश यही करनी चाहिए कि वो इससे सबक सीखें जो अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया उस तारीख़ी गलती को अगर वो दुरुस्त कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें एक मौका देना चाहिए गुंजाइश बहरहाल कम है लेकिन फिर भी मौका देना चाहिए ये क्या मामला है इसके ऊपर भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपको मालूम होगा कि आज कौमी इसम्बली का अजलास था और इस अजलास में जो सदर हैं आसफ़ जरदारी उनकी साहबजादी आसफा जरदारी ने बतौर मेंबर कौमी इसम्बली हल्फ उठाया बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मुबारकबाद दी कि बेनज़ीर भुटो की एक झलक जो है वो दोबारा कौमी इसम्बली में पहुँच चुकी है लेकिन हैरान कन बात यह है कि ये कैसी कामयाबी है ये कैसी जानशीनी है कि आप इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन के ज़रिए असम्बली में पहुँचे आपको आवाम के वोट से इसम्बली में आते हुए कौन सी ऐसी घबराहट होती है अभी जो आसफा जिस इलेक्शन से कहा जा रहा है कि वो जीत के मंबर सूबाई इसम्बली बनी है उसमें भी आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था उसको भी अगवा कर लिया गया और उसको ज़बरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया और इस तरह आसफ़ा जरदारी अपने पहले इलेक्शन में ही दोस धमकी धांधली के ज़रिए और दूसरे उम्मीदवारों को दबाकर जो है वो बिला मुकाबला कौमी असम्बली की मेम्बर बनी है उनके नाना जुल्फ़ार अली भुट्टो का भी यही वतीरा होता था वो भी अपने जो मुखालफ उम्मीद मुखालफ उम्मीदवार होते थे उनको उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाते थे उनको ज़ोर ज़बरदस्ती अपने हक़ में दस्तबरदार करवाते थे आसफ़ जरदारी साहब आज भी यही करते हैं उनकी बहन फरियाल तालपुर के बारे में भी यही ख़बरें हैं कि वो भी जो है वो बिला मुकाबला मंतखब होना शायद उनकी भी जो है वो उनका भी मशगला है बिलावल पंजाब में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया लेकिन इनके हवाले से भी इस तरह की माजी में ख़बरें मौजूद हैं तो ये देखिए ना कि ये लोग अवाम के मैंडेट की किस तरह तोहन करते हुए ये कौमी असम्बली पहुँचते हैं और फिर जब ये इस तरह के अवामी मैंडेट के बगैर कौमी इसम्बली में आते हैं तो फिर आवाम के नुमाइंदों का मुकाबला करने के लिए इनके अंदर सकत नहीं होती इनके अंदर जरूरत नहीं होती और आज भी हमने कौमी इसम्बली फ्लोर पर देखा कि पहली बार एक मुंतखब जो कहती है कि हम मंतख अवामी हुकूमत है वो अवमी अवामी नुमाइंदों का अरकिन कौमी इसम्बली का सामना करने से घबरा रही है और हम माजी में ये देखते आए हैं कि जब कोई मामला कोई अहम इशू असम्बली फ्लोर पर डिस्कस हो रहा होता है तो उस वक्त अपोजीशन जमातें हकूमत का सामना करने से जो है वो हकूमत से इख्त करती हैं और इसम्बली से वाकआउट कर जाती हैं माजी में भी पी टी आई दौर में बहुत सारे मौाक़े पर पी डी एम की सियासी जमातें इसम्बली से वाकआउट करती रही हैं जब स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी हो रही थी जब एफ़ ए टी एफ के हवाले से कानून साजी हो रही थी तो इन सियासी जमातों ने कौमी इसम्बली से वाकआउट किया और ये कानून साजी ना होने दी और फिर देखें कि आज ये हुआ कि जो आ, मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल उन्होंने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर कोरम की निशानदेही की और कहा कि कौमी इसम्बली इजलास के लिए कोरम पूरा नहीं है उसके बाद फिर जब गिनती की गई तो पता चला कि कोरम वाकई पूरा नहीं है और इस तरह हुकूमत आसफा भुटो का जो हल्फ बर्दारी तकरीब थी बतौर मम्बर कौमी इसम्बली वो करवा के तो कौमी इसम्बली से जो है वो फ़रार हो गई जब असफ़ा भुट्टो ये अपने हल्फ उठा रही थी बतौर मेंबर कौमी इसम्बली तो उनकी तकरीर के दौरान भी पाकिस्तान पीपल पाकिस्तान इंसाफ की जानब से शदीद एहतजाज किया गया जबरी सिलेक्शन और फार्म फोटी फाइव फार्म फोटी सेवन वाले नामंजूर के नारे लगाए गए और शायद यही वो असल खौफ है इस हकूमत को इस इम्पोर्टेंट हकूमत को इस नाजाइज़ जो हकूमत है इसको यही खौफ है कि पी टी आई के जो अराकिन कौमी इसम्बली हैं जो अवाम के मैंडेट लेकर आएँ आप उनकी कौमी सब्बली के अंदर उन उनका लबो लेजा देखें आप उनका कॉन्फिडेंस देखें आप उनकी जो दिलेरी है उनकी जो जबान उनके अल्फाज की जो काट है वो महसूस करें तो फ़ील होता है कि इनके पीछे आवाम के हज़ारों लाखों वोट मौजूद हैं इसीलिए ये इतना धाड़ के बोल रहे हैं इसलिए इनके अंदर आवाम का दर्द है इसलिए ये अपने मैंडेट का जो है वो एहतराम कर रहे हैं दूसरी जानब वो लोग हैं जिनको सुबह चार बजे फ़ोन करके उठाया गया कि उठो तुम जीत गए हो और फिर उन्होंने आंखें मलते हुए उनको हैरानी के साथ उन्होंने अपनी वो सीटें जो हैं वो संभाल ली और आज उनके पास दिफा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है वो डर खौफ के मारे अब वो इसम्बली में नहीं जाते अपोजिशन जमात पी टी आई का सामना करने से घबराते हैं क्योंकि पार्लियामान की जब तकरीरें लाइव चलती हैं तो फिर सब कुछ खुल के आवाम के सामने आ जाता है और फिर इसी से ये खौफ ज़्यादा हैं और आज इसम्बली से भी भाग गए हैं और आप देखें कि जो मामलत हैं हकूमत के वो इंतहाई खस्ता हो चुके हैं बहुत ऐसी हौसला अफजा खबरें नहीं हैं बल्कि बहुत ज़्यादा आप इनको कहें कि जो ख़राब सूरत हाल की जो ख़बरें हैं वो इस वक्त हकूमत के अंदर से सामने आ रही हैं ऐसे लगता है कि शायद इस साल के आखिर तक भी ये हकूमत बड़ी मुश्किल से गुजारे और उससे पहले भी धड़ाम तख्ता हो सकता है या फिर ये ख़ुद भी इलेक्शन में जा, जा सकते हैं गुजशत दिनों भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनमा की जानब से ये कहा गया कि अगर हमसे हकूमत न चल सकी तो फिर हम जल्द इंतबा की तरफ चले जाएंगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के अंदर डिस्कस हो चुकी हैं और शायद यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इन हकूमती अरकान के अंदर वो अतम मौजूद ही नहीं है और वह अदम अतमाद इन अंदर जो है वो खत वो भर चुका है और आवामी नुमाइंदों का ये सामना कर नहीं सकते अपनी जीत का ये दिफा कर नहीं सकते इसी वजह से अब ये असम्बली से फ़रार इख्तियार करना इन्होंने शुरू कर दिया है दूसरी जो अहम ख़बर है वो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुतलिक इन्होंने सौ प्याज और सौ जूते खाने के बाद ब्राज़ील यात्रा कर दी है ब्राज़ील पहुँचे हैं और अब वो ब्राज़ील से ये सबक लेकर पाकिस्तान वापस आएंगे कि एक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है वैसे जो जरा इलेक्शन कमीशन है वो ये बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के सख्त खिलाफ हैं उसकी एक मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि मई 2021 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीलाग शेयर हुआ ये ब्लॉग जो है ये तल्लात हुसैन साहब का था जो एंकर हैं उन्होंने ये बिलाग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मशीन के ऊपर किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस ई के ख़िलाफ़ किए गए विलाग को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से किस कदर जो है वो जहनीत के मालिक हैं लेकिन जो एक तारीख़ी बलंडर 8 फरवरी 2024 को हुआ है उसके बाद अवाम का जो पारा है वो अब उनके सर की जो छत है वो भी फाड़ के बाहर निकल रहा है तो शायद ये चीज़ अब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी और शायद रियासती सतह पर भी ये चीज़ अब आ, इसको तस्लीम शायद किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बग़ैर शायद मसायल मज़ीद पैदा होंगे और आप देखें कि अब इलेक्शन हो चुका लेकिन इसके बावजूद सियासी इसकाम नहीं है मुशी इसकाम नहीं है और यही मेरे ख़्याल में इस एलेक्शन की सबसे बड़ी नाकामी है सबसे बड़ा नुकसान है जो इस मुल्क कौम और रियासत को हो रहा है तो इसी वजह से अब ये इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ब्राज़ील गए हैं वहाँ से ये चीज़ों को लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से इसकी बाद कुछ तफसलत आपको शेयर कर देता हूँ किबन दो हज़ार बाईस के आखिर में ब्राज़ील के अंदर सदारती इलेक्शन हुए थे और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर हुए थे और जब इलेक्शन हुए थे उसके तकरीबन कोई दो से ढाई घंटे के बाद पूरे मुल्क में सदारती इंतबाब के नतज का ऐलान कर दिया गया था तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वो, वोटिंग मशीनों के ज़रिए किस तरह चंद ही घंटों के अंदर अंदर यानी पाँच बजे अगर पोलिंग बंद हो ना तो सात बजे तक आप इलेक्शन नतैज का ऐलान कर सकते हैं तो इतनी ये कारगर है और फिर हमने जो फॉर्म 47 सेवन का तमाशा इस बार देखा है कौम दोबारा ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती मुल्क ये चीज़ दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता कि खुदा न ये फॉर्म फोटी सेवन वाला तमाशा एक बार फिर हो तो फिर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में पड़ सकती है हम उन्नीस सौ इकहत्तर में इस तरह का एक तमाशा कर चुके हैं एक ब्लंडर कर चुके हैं दोबारा ये मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता और दो हज़ार बाईस में जब ब्राज़ील में सदारती इलेक्शन हुआ था तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही हुआ था लेकिन आ, पी टी आई ने जब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो जो उस वक्त की अपोजिशन जमाते यानी पी डी एम जमाते थी वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ थी ही थी ही थी ये जो इलेक्शन कमीशन था ये भी इसके खिलाफ था यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने दो का जो सैनिट इलेक्शन था उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया और हुकूमत की जानब से जितनी भी कोशिशें की गई जो भी कानून साजी की गई वो भी जब पी डी एम हुकूमत बनी रिजीम चेंज के बाद तो उन्होंने वो सारी कानून साजी भी रिवर्स करवा दी लेकिन अब देखना यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंत से कुछ सबक सीखते हुए ब्राज़ील से कुछ रहनुमाई लेने गए हैं तो अल्लाह इनको अकल दे अल्लाह इनको हमत और दान शतः फरमाए ताकि ये इस मुल्क और कौम के हवाले से अच्छे फ़ैसले कर सकें क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही वो इदारा है जो पाँच साल के लिए इस मुल्क और इस कौम पर एक हकूमत मुसलत करने का ज़िम्मेदार होता है तो इसलिए मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ कि एलेक्शन कमीशन की सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये हकूमत इस मुल्क और कौम के ऊपर मुसलत की है उसका खमियाजा इन लोगों ने तो बाहर भाग जाना है इन लोगों ने तो बाहर निकल जाना है हमने यहीं रहना है अवाम ने यहीं रहना है और रियासत यहीं पर रहेगी तो नुकसान अवाम का होगा रियासत का होगा इन लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कुछ तफसलत थी जो आपके साथ शेयर करना थी इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ फीडबैक जरूर दीजिएगा सही बलोच को इजाजत दें अाफ़िज़